प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, देखे धान्य होगी। कांग्रेस जब बंगाल के अंदर पुल गिरा था तो पूरी बीजेपी डांस कर रही थी, आज जब बनारस के अंदर पुल गिरा है तो इसका जिम्मेदार भी तो कोई। और इंडिपेंडेंट एक इस प्रकार से कांग्रेस जेडीएस कर्नाटक के सम्माननीय राज्यपाल जी को सरकार के गठन के लिए दिया। भारतीय जनता पार्टी जो बहुमत के आंकड़े के कहीं नजदीक नहीं, अब एक षड्यंत्रकारी तरीके से एसआर बोमई केस का हवाला देकर स्वयं को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने की दुहाई दे रही है। प्रेस के साथियों को और देश को भटकाने का उनका ये एक और तरीका है, क्योंकि देश का संविधान, देश का कानून और नैतिकता के मापदंड बड़े स्पष्ट हैं कि अगर कोई कोएलिशन, चाहे वो पोस्ट पोल कोएलिशन ही हो, उनके पास स्पष्ट बहुमत है तो राज्यपाल के पास संविधान के अनुरूप और कोई चारा नहीं बजाय उस कोएलिशन को सरकार बनाने के लिए निमंत्रण देने के। और इसलिए हम ये अपेक्षा करते हैं कि जनता दल सेकुलर और कांग्रेस पार्टी के इस कोएलिशन सरकार को गठन के लिए संविधान और कानून की परिपाटी के अनुरूप, पूरब में जो प्रेसिडेंट्स हैं उनके अनुरूप, सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के अनुरूप बहुत जल्द महामहिम राज्यपाल सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेंगे। इस बारे में आपके और देश के संज्ञान में फिर भी हम तीन तथ्य लेकर आना चाहते हैं। सबसे पहले, पोस्ट पोल कोएलिशन में क्लियर मेजॉरिटी के राजनीतिक दल को सरकार के गठन के लिए बुलाया जाएगा, इसके कई स्पष्ट उदाहरण हैं। हाल में ही गोवा में मार्च 2017 में 40 की विधानसभा में कांग्रेस को लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर कांग्रेस एमर्ज हुई, 17 विधायक जीतकर, 18 आई स्टैंड करेक्टेड। बीजेपी के पास केवल 12 विधायक थे, बाद में एक विधायक स्विच कर गया इसलिए वो संख्या 13 हो गई। परंतु भारतीय जनता पार्टी के कोएलिशन को, जो पोस्ट पोल कोएलिशन था, गवर्नर ने उस समय इनवाइट किया सरकार बनाने के लिए और मनोहर पारिकर जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी। बाकायदा गवर्नर ने यह भी बताया कि उन्होंने इस बारे में कानून विद्यों और भिन्न भिन्न कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट से राय ली थी, जिनमें अरुण जेटली जी भी शामिल थे। मार्च 2017 में मणिपुर में इसी प्रकार से 60 की असेंबली में कांग्रेस के 28 विधायक जीतकर आए, भारतीय जनता पार्टी के 21 विधायक जीतकर आए, पर इसके बावजूद गवर्नर ने पोस्ट पोल कोएलिशन के आधार पर भारतीय जनता पार्टी की पोस्ट पोल कोएलिशन को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया और वहां भाजपा की सरकार का गठन हुआ। मार्च 2018 में मेघालय में 60 की असेंबली में कांग्रेस के 21 विधायक जीतकर आए, भाजपा के मात्र 2 विधायक जीतकर आए, परंतु पोस्ट पोल कोएलिशन के आधार पर भारतीय जनता पार्टी और उसके मित्र दलों को सरकार बनाने के लिए गवर्नर द्वारा आमंत्रित किया गया और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस को नहीं। बात केवल यहां भी समाप्त नहीं होती। गोवा में जब भारतीय जनता पार्टी की पोस्ट पोल कोएलिशन को आमंत्रित किया गया तो इसको बाकायदा चुनौती दी गई कांग्रेस के साथियों के द्वारा, इस आधार पर कि एसआर बोमई केस में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को निमंत्रण दिया जाना चाहिए था। जो लाइव रिपोर्टिंग हुई, अब उसका रिकॉर्ड उपलब्ध है, मैं आपको कुछ लाइनें पढ़कर सुनाऊंगा और उसकी एक प्रतिलिपि आपको दे रहा हूं।
And it says, the arguments before the bench of Chief Justice of India, Justice J.S. Keher, Justice Ranjan Gogoi, and Justice R.K. Agarwal began at 10:30 a.m. and lasted till 12:15. CJI, it is clear from our Arunachal Pradesh judgment that governor has a discretion in situations like this. Mukhya Nyayadhish us apne Arunachal Pradesh ke nirnay ka hawala de rahe hain aur keh rahe hain ki uske mutabik governor ko ye discretion hai ki wo post poll coalition ko bulaye. Justice Gogoi to Abhishek Manu Singhvi, you did not demonstrate to the governor that you have the numbers. Convention of inviting single largest party is subject to numbers. Then CJI, there is no question of most stable government. If one has the numbers, others don't, only one can provide the stable government. Yani jiske past post poll coalition mein sankhya hai, wahi sarkar banayega. Harish Salve ji, jo ab selective amnesia se grast hain, वो खुद जो उन्होंने कहा मैं वो पढ़कर बताता हूं। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से अब यह आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी षड्यंत्रकारी तरीके से सरकार बनाने की कोशिश कर रही है।